नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आज के ताज़ा करेंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स और जानते हैं कि देश दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। तो आज का पहला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में तासिंग विश्व का सबसे ऊँचा मतदान केंद्र बन गया है। दोस्तों, ये चुनाव का सीजन आ गया है और 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो अभी पता चला है कि जो हिमाचल प्रदेश का एक तासिंग जगह का नाम है, वो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। तो इसके थोड़ा सा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जान लें। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। तथा राज्यपाल कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया। डीआरडीओ ने एक स्वदेशी निर्मित एंटी सैटेलाइट मिसाइल, यानी कि वैसी मिसाइल जिससे किसी सैटेलाइट को मारकर गिराया जा सकता है, उसको एंटी सैटेलाइट मिसाइल कहते हैं। तो भारत ने भी इस पर सफलता प्राप्त की और एंटी मिसाइल सैटेलाइट लॉन्च किया। अगला पॉइंट है, नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन जो 2019 में होने वाला है, वो काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन को बोडले मेडल से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं भारत के अमर्त्य सेन, और इनको नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है ऑलरेडी, और इनको बोडले मेडल से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, वैश्विक आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 76वां स्थान है। तो ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वैश्विक आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। तो याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 76वां स्थान है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तमिश्लाव से नवाजा गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हाल ही में क्रोशिया की यात्रा पर हैं, और उनको क्रोशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तमिश्लाव से नवाजा गया है। दोस्तों, क्रोशिया की राजधानी कहाँ है? जागरेव है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, ब्राज़ील के भौतिक वैज्ञानिक और खगोलविद मार्सेलो ग्लिसर को 2019 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। ब्राज़ील के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और खगोलविद मार्सेलो ग्लिसर, उनको 2019 का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वरिष्ठ नौकरशाह जनक कुमार गर्ग को मेट्रो रेलवे का संरक्षा आयुक्त, यानी कि CMRS नियुक्त किया गया है। जनक कुमार गर्ग को मेट्रो रेलवे संरक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, नीति आयोग ने दिल्ली में फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 आयोजन किया। नीति आयोग ने दिल्ली में फिनटेक 2019 का आयोजन किया। दोस्तों, नीति आयोग क्या है? भारत में जितने भी विकास योजनाएं बनती हैं उसका नीति निर्धारण करने वाली एक संस्था है, और इसके जो नीति निर्देशक नीति आयोग के जो मुखिया या अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आप हमारे साथ बने रहें और द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।